Good morning, students. Welcome back to our online class. This is Babita, your EVS teacher. Students, in this class, we are going to start chapter number 6, our clothes. Before starting chapter, मैं आप लोगों के साथ एक बात शेयर करना चाहती हूँ और बताना चाहती हूँ. हमें जीवन जीने के लिए तीन चीज़ें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती हैं. सबसे पहले फूड, सेकेंड हाउस एंड थर्ड क्लोथ. इन हिंदी रोटी, कपड़ा, मकान. ठीक है. सो हमने क्या क्या पढ़ लिया है इससे पहले, क्लोथ से पहले? फूड और हाउस, ये चैप्टर हम पढ़ चुके हैं. अब हमारी बारी आती है क्लोथ्स की. ओके, सो आवर चैप्टर नेम इज आवर क्लोथ्स. फर्स्ट राइट हेयर क्लास वर्क डे एंड डेट. टूडेज डे, टूडेज डेट. ओके, सो बर्डिंग वैल्यूज इन दिस चैप्टर आर अप्रिशिएशन ऑफ डाइवर्सिटी. अप्रिशिएशन का मतलब क्या होता है बच्चों? किसी को अप्रिशिएट करना, आपके पेरेंट्स आपको अप्रिशिएट करते हैं, टीचर्स अप्रिशिएट करती हैं. तो अप्रिशिएट का मतलब होता है आपको सराहते हैं कि बहुत अच्छा किया और अच्छा करो, मतलब आपकी सराहना करती है. बट यहाँ क्या है, ऑफ डाइवर्सिटी. डाइवर्सिटी का मीनिंग क्या होता है? डाइवर्सिटी होता है बेटा चेंज. ठीक है, चेंजेस. तो अप्रिशिएशन ऑफ डाइवर्सिटी की आप चेंज जितने भी हो रहे हैं, फिर वो फूड में हो रहा है, हाउस बनाने के टेक्निक में हो रहा है, फिर वो क्लोथ्स में हो रहा है, वो कैसी भी डाइवर्सिटी हो रही है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए अगर वो गुड वे में हो रहा है. ठीक है, तो डाइवर्सिटी की एकदम हिंदी होती है विविधता. बट आप इसे परिवर्तन, चेंज भी समझ सकते हो. सो परिवर्तन की सराहना या विविधता की सराहना, डाइवर्सिटी को अप्रिशिएट करना. नेक्स्ट है अंडरस्टैंडिंग. अंडरस्टैंडिंग तो आप लोगों को पता ही है, समझ, कि आप ये चैप्टर कितना अंडरस्टैंड करते हो, मेरी बातें कितनी अंडरस्टैंड करते हो, पेरेंट्स की बातों को कितना अंडरस्टैंड करते हो. ओके, तो नाउ लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर. ध्रुव वेंट टू अ बीवर्स विलेज कॉल्ड मूली इन गुजरात विद हिज फादर. ध्रुव कहाँ गया है? बीवर्स विलेज. बीवर्स कौन होते हैं? बुनकर, जुलाहा, जो कपड़े बनाते हैं ना, उनको बीवर्स कहा जाता है. मूली इन गुजरात विद हिज फादर. एक कोई प्लेस है मूली, जो कहाँ है? गुजरात में. किसके साथ गया ध्रुव? अपने फादर के साथ. ही सॉ मैनी पीपल सिटिंग ऑन द फ्लोर एंड स्पिनिंग थ्रेड फ्रॉम बॉल्स ऑफ कॉटन ऑन अ चरखा. सो उसने क्या देखा कि बहुत सारे लोग जो हैं वो फ्लोर पे बैठे हुए हैं, फर्श पे बैठे हुए हैं और स्पिनिंग स्पिन कर रहे हैं. किसको? थ्रेड को. फ्रॉम बॉल्स ऑफ कॉटन ऑन अ चरखा. एक चरखे पे कॉटन की एक बॉल रखी है जिसमें से वो स्पिन कर रहे हैं थ्रेड को. चरखा क्या होता है बच्चों? सबको पता है चरखा कौन चलाते थे? बापू, महात्मा गांधी. तो चरखा वो क्या करते थे? वो कपड़ा बुनते थे. तो वो क्या होता है कि थ्रेड स्पिन करना होता है. ठीक है, कॉटन के बॉल से. ठीक है, जैसे आप पिक्चर में देख सकते हो. This thread was used by the weavers to weave clothes on big frame called addas. ये जो thread है ये क्या use किसके लिए होता है? Used by, used मतलब weavers इन thread को use करके बुनते हैं कपड़े big frames पर, on big frames पर, जिसे क्या कहते हैं? Addas. ओके, दोबारा से, कि ये thread use होते हैं weavers, मतलब weavers उनको use करते हैं क्या बुनने के लिए? Clothes. It was wonderful to watch them passing a ball of cotton thread from one side to another. So ये बहुत अच्छा लग रहा था, wonderful लगता है watch करते समय, देखते समय कि क्या हो रहा होता है. एक ball pass करते हैं cotton thread की एक side से दूसरे side पर. The woven clothes are called khadi. So ये जो चरखे की इस्तेमाल करके, मतलब इसको use करके जो ये थ्रेड को पहले तो ये इधर से उधर कर रहे हैं, ठीक है, स्पिन कर रहे हैं. आफ्टर दैट बड़े वाले फ्रेम पर उसको बुनते हैं उस थ्रेड को. तो वो कौन सा कपड़ा होता है? उसे कहते हैं खादी. कौन सा कपड़ा कहेंगे? खादी. इट वॉज सोल्ड इन खादी ग्राम उद्योग भवन. और वो कहाँ बेचा जाता है? खादी ग्राम उद्योग भवन. ठीक है, आप अपने शहर में भी बहुत सारे खादी भंडार देखते हैं ना, तो वहाँ क्या मिलता है? खादी के कपड़े.
खादी इज लिटल रफ। सो खादी का फैब्रिक कैसा होता है? उसका फैब्रिक होता है रफ। इट इज नॉट वेरी स्मूथ, तो वो स्मूद नहीं होता। कुछ कपड़े एकदम स्मूद होते हैं ना, सॉफ्ट होते हैं, इसका मतलब क्या है, वो खादी के कपड़े नहीं हैं, वो उनकी क्वालिटी कुछ और है, उस कपड़े को कुछ और कहेंगे। बट जो खादी है वो थोड़ा सा रफ होगा और वो स्मूद बिल्कुल नहीं होगा। बट इट कीप्स आवर बॉडी कूल इन समर्स। वो क्या करते हैं, हमारी बॉडी को कूल रखते हैं समर्स में। इट गिव्स वर्क टू मैनी पीपल इन विलेजेस। ये क्या करते हैं, एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट क्या होते हैं, फर्स्ट थिंग एम्प्लॉय। एम्प्लॉय किसे कहा जाता है, जो काम करता है। और एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट मतलब वर्क, वर्क करना। एम्प्लॉय जो अपना काम करेगा उसे क्या कहेंगे, एम्प्लॉयमेंट। सो इट गिव्स वर्क टू मैनी पीपल इन विलेजेस। गाँव में ये जो आपका चरखा वाला जो वर्क है, ये बहुत सारे बेरोजगारों को वर्क देता है। एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है रोजगार। ओके, क्लोथ प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम हीट, कोल्ड, डस्ट एंड रेन। सो हम कपड़े क्यों पहनते हैं, टू प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम हीट, कोल्ड, डस्ट एंड रेन। ठीक है, वी वेयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ इन डिफरेंट सीजन। तो हम लोग डिफरेंट टाइप के क्लोथ डिफरेंट सीजन में पहनते हैं। कि कोल्ड में हम कैसे पहनेंगे, जो आपके वुलन होंगे, जो डस्ट होगा। रेनी सीजन में आप कैसे पहनते हो, रेनकोट पहनते हो ना। हीट समर में आप कॉटन के क्लोथ पहनते हो। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीजन में पहनते हैं। ओके,